लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के जरिए बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को कड़ी टक्कर देने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में तमिलनाडु की सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर दिए बयान ने देश के राजनीतिक बयार को ही बदल कर रख दिया है। उदयनिधि का सनातन धर्म के खात्मे वाला बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स के लिए गहरा झटका माना जा रहा है। सनातन विवाद राहुल गांधी की हिंदू बनाम हिंदुत्व वाली सियासत पर वॉर जैसा है, क्योंकि 5 सालों से वो ये तर्क दे रहे हैं कि हिंदू धर्म हिंदुत्व से पूरी तरह अलग है। उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है और उसके छोटे बड़े नेता विपक्षी गठबंधन के साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़े करने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन कई घटक दल सनातन वाले बयान को लेकर खुश नहीं है और उन्होंने अपने अंदाज में इस बयान की भी निंदा की है और सलाह भी दी है कि किसी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में भी सनातन पर बयानबाजी पर विराम लगाने का प्रस्ताव भी पास किया गया, लेकिन बीजेपी बैठी बिठाए हाथ लगे मौके को कैसे छोड़ने वाली है। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गुरुवार को दिए गए भाषण से मिला है। सनातन धर्म को लेकर बयान से उठे सियासी विवाद पर पीएम ने जिस तरह से विपक्षी गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया है और सनातन को खत्म करने की साजिश तक बता दी है, उससे राहुल गांधी के सारे किए धरे पर पानी फिर गिराएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इस महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सनातन की निंदा की थी और इसकी तुलना डेंगू मलेरिया बुखार से कर डाली थी। उन्होंने कहा था, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका विरोध करना ही काफी नहीं होता, हमें उनको मिटाना ही होता है। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया और कोरोना वायरस, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका महज विरोध ही नहीं किया जा सकता, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। उनके इस बयान के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। बीजेपी समेत कई हिंदूवादी नेता और संगठन उदयनिधि के बयान के खिलाफ मुखर हो गए। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद देश की सियासत पूरी तरीके से बदल गई थी। देश में इन दिनों बहुसंख्यक केंद्रीय यानी कि हिंदू सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो रही है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।